सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल लेक ऑनलाइन टेक पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त किस दिन यहां पर आएगी, साथ ही यहां पर आप अपना स्टेटस किस तरीके से यहां पर चेक कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर स्टेटस को चेक करने के लिए मैं यहां पर दो मेथड आपको बताने वाला हूं। सो दोनों मेथड आप यहां पर ध्यानपूर्वक देखेंगे बिना स्किप की वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन इनेबल जरूर करें ताकि हर एक सरकारी योजना की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर एक न्यूज़ पत्र के माध्यम से आज जारी की गई 734 पर दोस्तों 3 जुलाई पोस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि खुशखबरी, किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2000 रुपये की अगली किस्त। लिस्ट में चेक करें अपना नाम। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको लिस्ट में नाम चेक करना और साथ ही दोस्तों अगली किस्त कब तक आएगी ये हमें यहाँ पर देख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बता दें कि मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये जो है 3 किस्तें यहाँ पर 4 किस्तें जो है आपके खाते में ट्रांसफ़र करती है साल भर में। अब तक इस योजना के तहत सरकार जो है 8 किस्त तक जारी कर चुकी है सभी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जितने भी लाभार्थी हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर जो है, बहुत से लोगों को यहाँ पर जो है 8वीं किस्त मिल चुकी है। अब 8वीं किस्त मिलने के बाद दोस्तों उन्हें 9वीं किस्त कब मिलेगी, और जिन्हें 8वीं और 7वीं किस्त नहीं मिली है उनका जो है धीरे धीरे करके पेमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों की आमदनी को बढ़ाना और सीधे तौर पर उनकी आर्थिक मदद करना है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और अपना स्टेटस चेक करेंगे यहाँ पे, अगर लिस्ट में नाम है तो आपको यहाँ पे जो है पूरे प्रोसेस के बाद आपका यहाँ पे 2000 रुपये की अगली किस्त आपके खाते में जरूर ट्रांसफर होगी। दोस्तों, अपने किस्त का इंस्टॉलमेंट देखने के लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल साइट पर ही जाना होता है। वहां पर आपको मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर आधार के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू आप अपना स्टेटस जो है डाल करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना स्टेटस की पूरी जानकारी जो है वहाँ पर डालने के बाद मिल जाती है। आपके पास तीनों चीज़ों में से एक जरूर होना चाहिए, मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर। और दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा दें तो अगली किस्त यानी कि 9वीं किस्त जो है अगस्त में भेजी जाएगी, यानी कि अगस्त के 2रे-3रे सप्ताह से जो है 9वीं किस्त का इंस्टॉलमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख लेते हैं कि जो है आप अपना इंस्टॉलमेंट किस तरीके से यहाँ पे चेक कर पाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से। तो देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, जो कि इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस लिंक पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, फाइनली इसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। पहला मेथड दोस्तों यहाँ पर बताएंगे आपको कि बेनिफिशियरी स्टेटस में जाने के बाद यहाँ से दोस्तों आप 3 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करके यहाँ से, यहाँ देख सकते हैं 3 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक स्टेटस आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक फार्मर का जो है पूरा स्टेटस निकाल लिया है, जिनकी कोई भी किस्त अभी तक रुकी नहीं है, बराबर सारे इंस्टॉलमेंट यहाँ पे इनके खाते में आ चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि 8वीं किस्त जो है इनकी 15/5/2021 को आई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दें, सरकार जो है हर 4 महीने पर, यानी कि चौथा महीना लगते ही दोस्तों, आपके 3 महीने कंप्लीट होते ही चौथे महीने के पहले या 2रे सप्ताह से अगली किस्त के भेजने की तैयारी करने लगती है। यानी कि हर 4थे माह में आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपये की किस्त जो है आपके खाते में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। कैलकुलेट करके आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10/8/2020 को 6वीं किस्त जारी हुई थी, उसके बाद 7वीं किस्त, यहाँ देखेंगे 8/4/12, यानी कि 8 चौथे महीने में जो है यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर जो है 7वीं किस्त किसान के खाते में ट्रांसफ़र की गई। इसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर जो है साल कंप्लीट होते ही यहाँ पर 5वें महीने में ये कभी कभी जब लेट हो जाता है तो यानी चौथे महीना बीतते बीतते जो है यहाँ पर पेमेंट हर किसान के खाते में कर दिया जाता है। यानी जो नियम है दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के, हर 4थे महीने आपके पैसे जो है आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। 3 बार में ये खाते आपके पैसे आपके खाते में भेजे जाते हैं, 2000 रुपये की 6000 रुपये की किस्त आपको सालाना मिलती है यहाँ पे इसके तहत। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर भी आपका 8 इंस्टॉलमेंट या फिर 9 इंस्टॉलमेंट इस तरीके से करके शो होने लगेगा।
तो अब यहाँ पर दूसरा मेथड जो है दोस्तों चेक करने के लिए, वो मेथड आप यहाँ देख पाएंगे। सबसे पहले यहाँ आएंगे बेनिफिशियरी स्टेटस के नीचे, आप यहाँ आएंगे देखेंगे कि बेनिफिशियरी लिस्ट दिया गया है, इसमें आएंगे। इस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप यहाँ इसके लाभार्थी माने जाते हैं। इसके तहत आपको यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज सेलेक्ट करके गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से सारी डिटेल फिलअप करने के बाद दोस्तों, जब आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा लिस्ट निकल के आ जाता है। यहाँ देखेंगे इस तरीके से फार्मर का लिस्ट निकल के आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे आपके ग्राम सभा का, जब यहाँ पे पूरा लिस्ट निकल के आ जाएगा तो इसमें आपको अपने ग्राम सभा का सभा में जो है जितने नाम यहाँ पे फार्मर के दिए गए, इसमें आप अपना नाम ढूंढेंगे। अगर इस लिस्ट में दोस्तों आपका नाम है तो यहाँ पर आपकी किस्त अगली जरूर आएगी। यहाँ पे देखें इस तरीके से नंबर दिए गए, नंबरों पर क्लिक करके आप अगले पेज पर पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर दो मेथड से आप चेक कर पाते हैं अपना स्टेटस। यहाँ से भी आप, अगर आपकी लिस्ट में नाम है तो आपको अगली किस्त का ट्रांसफ़र आपके खाते में ज़रूर किया जाएगा। सो आशा करते दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। पहली बार बैठ के सब्सक्राइब जरूर करें।